गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल विदावल आईसी में, और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें। जो भी व्यूअर्स नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें, पसंद आता है तो लाइक भी करें, और यदि आप लोगों को नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहे तो इसके लिए बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नारे को बुलंद करते हुए ओबीसी महासभा के द्वारा मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्री गौरी शंकर विसेन जी से मुलाकात की गई, उनको ज्ञापन दिया गया। और ज्ञापन दोस्तों सभी लोग जानते हैं, ये संबंधित था चयनित शिक्षकों की ज्वाइनिंग मुख्य रूप से, और 27% ओबीसी आरक्षण लागू करना तथा कानून बनाकर इसको नवी अनुसूची में शामिल करना। तो दोस्तों, इसी के संबंध में ओबीसी महासभा के द्वारा नवनियुक्त जो अध्यक्ष हैं उनको ज्ञापन दिया गया, और उस ज्ञापन के लेने के बाद गौरीशंकर विसेन जी ने क्या कहा है 27% आरक्षण के बारे में, चयनित शिक्षकों की ज्वाइनिंग से संबंधित और भी कई सारे मुद्दे जो कि उस ज्ञापन में इंक्लूड हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में वीडियो क्लिप और ज्ञापन के प्रारूप के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो आइए थोड़ा सा हम इसका एक रिव्यू ले लें शॉर्ट में, कि क्या कुछ इंक्लूड है ज्ञापन में और क्या कहा है गौरीशंकर विसेन जी। देखिए दोस्तों, प्रारूप आपके सामने है और ये संबोधित किया गया है माननीय गौरीशंकर विसेन जी को, अध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के मध्य प्रदेश शासन भोपाल। और मुख्य रूप से दोस्तों जो विषय है वो आप लोगों को मैं बता दूं कि गवर्नमेंट के द्वारा जो 14 से 27% आरक्षण की बात कही गई है उसको कानून बनाकर केंद्र शासन से नवी अनुसूची में शामिल किए जाने हेतु प्राथमिकता से कार्यवाही गवर्नमेंट करे, इसके लिए निवेदन किया गया है। तो दोस्तों, जो खास खास पॉइंट हैं वो ये हैं कि 6 बिंदुओं पर यहाँ पर इस ज्ञापन में चर्चा की गई है, जिसमें से सबसे पहला बिंदु तो यही है कि जो आरक्षण दिया गया है 14 से 27%, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसका निर्णय अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है, और इस निर्णय के बाद में जो काफ़ी कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है ओबीसी वर्ग को, वो तो हम देख ही रहे हैं, और इसके लिए कानून बनाने के बाद इसको नवी अनुसूची में शामिल करने की बात अपने इस ज्ञापन में उन्होंने कही है। तो पहला पॉइंट तो इसमें दोस्तों यही है कि इसको एक ठोस रूप प्रदान किया जाए, जिससे कि आगे आने वाले समय में कोई भी इस 27% आरक्षण पर उंगली ना उठा सके। अब दोस्तों, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो ये है कि जो चयनित शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति गवर्नमेंट के द्वारा नहीं की जा रही है, और लगातार बहुत सारे आंदोलनों के बाद में भी अभी भी वहीं पर ये मैटर पड़ा हुआ है। और इस ज्ञापन में जैसा कि आप ये दूसरा पॉइंट देख पा रहे हैं कि जो खरगोन में अभी हाल ही में आत्महत्या की है उसका भी यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया है, और आगे आने वाले समय में चयनित शिक्षक इस प्रकार का गलत कदम और ना उठाएं, इसलिए यहाँ पर उन्होंने ज्वाइनिंग की बात की है। तो सेकेंड पॉइंट इसी को इंगित करता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि जातियों की जातिगत जनगणना कराई जाए, जिसमें कि ओबीसी वर्ग विशेष रूप से रहे। उसके बाद में अगला पॉइंट है जो कि छात्रवृत्ति के संबंध में अनियमितता को उजागर करता है, और ये मांग करते हैं कि छात्रवृत्ति को शीघ्र प्रदान किए जाने की कृपा करें। उसके बाद में जितने भी रिक्त पद फड़े हुए हैं ओबीसी वर्ग से संबंधित, उन सभी पर भर्ती की जाए, और हालांकि अभी एक आदेश भी गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया है जिसमें कि विभागों से समस्त बैकलॉग पदों की जानकारी मांगी गई है, जिससे कि आगे की भर्ती में सुचारू रूप से कार्य किया जा सके। और अगला पॉइंट जो है दोस्तों वो प्रतिनिधित्व का है, कि जितनी ज़्यादा संख्या रहेगी जिस जाति की उसको उतना प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन प्रदान किया जाए। तो यहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से संपूर्ण मध्य प्रदेश में 52% आरक्षण लागू करने की बात अपने इस पॉइंट में उन्होंने इंक्लूड की है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कहा है गौरीशंकर विसेन जी ने और किस प्रकार से दिया है ज्ञापन। तो ये वीडियो क्लिप के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जब ये बहुत संचित होता लोकसभा के चुनाव सामने थे तो माननीय कमलनाथ जी ने 25% आरक्षण लागू किया, कोर्ट में उसको स्थगन हो गया। उसकी जो पैरवी होना चाहिए 10 दिन के अंदर जो अपना पक्ष रखना था महाधिवक्ता जी के माध्यम से या अपने वकीलों के माध्यम से अपने सरकार को, वो उन्होंने इतने अच्छे ढंग से नहीं रख सके, तो मामला घटे। अब उसके बाद माननीय
पिछली सरकार में शिवराज की, उसके बाद में उस मामले को हमको प्रमाणित करना है, उसी काम के लिए आयोग बना है मूल रूप से कि भाई उनसे त्रुटि हुई है। उन्होंने कहा हमारा पॉपुलेशन है और इसलिए वो 70% आरक्षण, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा पॉपुलेशन 50% 52% 75% है, उसे क्रिमिनलर को भी 33% नंबर है, ये उन्होंने नहीं बताया। और इसीलिए वो जो धनोतिया जी जो बार बार कहते ना कि वो आयोग गैर कानूनी है और ये वो उनको समझते ही, वह जो आयोग है पिछावर आयोग है, ये पिछावर कल्याण है दर्शन के लिए, तो जो शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण करके हम बहुत जल्दी इसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। हमने इसमें मेन ओबीसी महासभा वाले आए थे आपके पास में, विगत लंबे समय से इनकी मांगे हैं, किस प्रकार की आपने आज सुनाई? देखिए जो चयनित शिक्षक हैं उनका ये महासंघ के लोग का प्रतिनिधिमंडल और उनके अध्यक्ष आए, उनका कहना है कि हमें 27% आरक्षण के अनुरूप ओबीसी की भर्ती हमने उनके ज्ञापन को लिया और उसके शासन तक। आप चूंकि भाव पिछड़ा आयोग से बन चुके, किस प्रकार से इनकी बात रखेंगे और क्या कब तक इनको जल्द से जल्द इनकी समस्या का निराकरण? मेरा तो काम है कि जो भी लोगों के ज्ञापन आते हैं उनका अध्ययन करना और सरकार के साथ